केमिकल फर्टिलाइज़र के विभाग की समीक्षा के लिए हाजीपुर और बरौनी जाएंगे। बरौनी में हमारा नैनो फर्टिलाइज़र का भी भविष्य में, रक्सौल में पहली बार इंडो नेपाल के दोनों मंत्रियों के साथ वो भी रहेंगे और नेपाल के भी कैबिनेट मंत्री रहेंगे, दोनों साथ मिलकर के FSSI के प्लांट का उद्घाटन करेंगे। NBC देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। वर्तमान में NDA की सरकार लगातार विपक्ष के द्वारा 19 लाख के रोजगार के मुद्दे पर घिरती हुई नजर आती है। विपक्ष लगातार यह हमला करता है कि आखिर 19 लाख के रोजगार पर जिस तरीके से बिहार में सरकार बनी थी, आखिर 19 लाख का रोजगार कहाँ है। तो अब रोजगार के मुद्दे पर बिहार में चर्चाएं और कार्य शुरू हो रहे हैं। NDA लगातार ये प्रयास कर रहा है कि बिहार में जो है रोजगार देने का काम जो है वो शुरू किया जाए। जिस तरीके से बिहार में बिहार के मंत्री जो हैं शहनवाज हुसैन, जिस तरीके से उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन एक्टिव हुए हैं बिहार में उद्योग धंधे को लेकर के, बीते ही दिनों आपने देखा किस प्रकार से पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया उन्होंने, उसके बाद एथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन किया और अब लगातार वो केंद्रीय मंत्री से मिल रहे हैं और केंद्रीय मंत्री से लगातार मिलने के बाद आपने देखा किस तरीके से दिल्ली में एक एक्सपो रखा गया था जिसमें तमाम बिजनेसमैन बैठे हुए थे और उनके साथ शहनवाज हुसैन जो बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं वो मीटिंग करते हुए दिख रहे थे और उनमें कई कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए बिहार में तैयार हुए। और इसी क्रम में एक बार फिर से आज जो है केंद्रीय मंत्री मनसुख एल मांडविया आज पटना आ रहे हैं और पटना आते ही वो वैशाली जाएंगे और वहां पे रसायन से जुड़ी चीजों को लेकर के सर्वेक्षण करेंगे। इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उनका जो है वो स्वागत करने पहुंचे हुए हैं पटना एयरपोर्ट पे। क्या कुछ कह रहे हैं मनसुख एल मांडविया के पटना आने पर, क्या कुछ होगा सुनिए संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। मांडविया जी का आज आगमन हुआ है और वह आज केमिकल फर्टिलाइज़र के विभाग की समीक्षा के लिए हाजीपुर और बरौनी जाएंगे। बरौनी में हमारा नैनो फर्टिलाइज़र का भी भविष्य में योजना है, फर्टिलाइज़र प्लांट आज बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है, नैनो फर्टिलाइज़र का भी वहां पे उत्पादन शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है, उसी के सर्वेक्षण के लिए हैं। और कल वह रक्सौल में पहली बार इंडो नेपाल के दोनों मंत्रियों के साथ वो भी रहेंगे और नेपाल के भी कैबिनेट मंत्री रहेंगे, दोनों साथ मिलकर के FSSI के प्लांट का उद्घाटन करेंगे। अभी तक कोई भी पेरिशेबल सब्जी फल ये सब का जांच होने कलकत्ता जाता था, फिर रक्सौल आता था, उसके बाद वो नेपाल आ पाता था, यही परिस्थिति नेपाल की थी। अब सेम डे रिपोर्ट हो जाएगा, इससे सब्जी से लेकर के सभी तरह के जो शीघ्र खराब होने वाला सामान है उनको भी आने जाने का एक दिन में ही परमिशन मिल जाएगा। तो आपने सुना संजय जायसवाल को किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि बिहार में रसायन से जुड़ी चीजें जो हैं वो उनपे संरक्षण करने वैशाली जाएंगे, वैशाली के बाद वो नेपाल जाएंगे, नेपाल से जो सब्जी का जो आदान प्रदान यानी कि सब्जी वहां से जो आता है, जो आपको बता दें कि जब नेपाल से सब्जी आता है तो बीच में कई जगहों पे उसे रोक करके चेकिंग किया जाता है और जिस तरीके से बिहार में बिहार से नेपाल जाता है, नेपाल से आयात निर्यात होता है सब्जियों का, तो वो आयात निर्यात पे भी जो है वो चर्चाएं होंगी। इससे कहीं ना कहीं उद्योग में बिहार में लगातार बढ़ावा मिलेगा। बहरहाल जुड़े रहिए NBC के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।